पंचायत भवनों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। अवैध तमंचे के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में रामकोला पुलिस व स्वाट के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा धुआं टिकट के पास पंचायत भवन में चोरी करने वाले गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 15 बैटरी, 7 इन्वर्टर, चोरी की एक बाइक, 3 टेबल फैन, ताला तोड़ने का उपकरण, 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद सामानों की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभियुक्तों द्वारा चोरी करने से पहले घूमकर रैकी कर अगली रात्रि में सुनसान जगहों पर बने पंचायत घरों में लगे सामानों की चोरी कर फरार हो जाते थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट। थाना रामकोला और पुलिस और जो है स्वाट टीम द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पंचायत घरों और घरों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग के द्वारा जो है पंचायत घरों में और घरों में जो है चोरी की घटनाएं की कार्य की गई है। इनके कब्जे से काफी संख्या में बैटरी, इन्वर्टर और अन्य सामग्री बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके संबंध में जनपद महाराजगंज में अभियुक्त पंजीकृत है। अभियुक्त जो है राजू यादव निवासी नरकटिया थाना रामकोला तथा दूसरा अभियुक्त है कलामुद्दीन अंसारी निवासी बबनौली थाना रामकोला। इसमें राजू यादव का आपराधिक इतिहास भी है। इस घटना में जो है 11 जनपद में 11 चोरियों का सफल अनावरण हुआ और उससे चोरी गए माल की जो है बरामदगी हुई है। इस सफल अनावरण और बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रूपये के पुरस्कार की घोषणा की। सर, चोरी कैसे करते थे ये लोग? ये चूंकि पंचायत घर का साफ टारगेट होता था, वहां पे रात के समय में ये जो वहां पे इनसे जो उपकरण बरामद हुए उनकी सहायता से जो है घरों में पंचायत घर में घुसकर जो है ये चोरी करते थे और बाइक से जो इनसे पूछताछ हुई बाइक से रहते थे, बाइक पे ही सारी चीजें रख के ले जाते थे। ठीक है।